अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं और आज की इस वीडियो में मैं आपको एक बेस्ट बजट मोबाइल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, जब हम मोबाइल की मार्केट में जाते हैं तो वहां पर हमारे लिए एक बेस्ट मोबाइल चूज करना मुश्किल हो जाता है, जिसमें क्वालिटी भी अच्छी हो और प्राइस में भी कम हो, या वो लोग जिनको मोबाइल की स्पेसिफिकेशन के बारे में नहीं पता, वो सिर्फ दो चीज़ें चाहते हैं एक मोबाइल से, एक मोबाइल की क्वालिटी अच्छी हो और दूसरा मोबाइल की प्राइस बहुत कम हो, या दोस्तों वो लोग जिनका मोबाइल का बजट कम है और वो चीज़ भी अच्छी चाहते हैं, तो आज की वीडियो उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, मैं इस मोबाइल को दूसरे मोबाइल कंपनीज़ के साथ भी कंपेयर करूंगा, ताकि जब भी आप इस मोबाइल को मार्केट में लेने जाएं तो आपके माइंड में कोई डाउट ना हो कि इस मोबाइल में कोई भी मसला होगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों, जिस मोबाइल के बारे में मैं आपको आज बताऊंगा, वो मोबाइल रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है, तकरीबन उसको एक वीक हुआ है। दोस्तों, जब ये मोबाइल लॉन्च हुआ था तो मैंने जब इसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ी, मुझे वो तमाम चीज़ें नज़र आईं जो एक लो बजट वाला जो शख्स है, जो बंदा है, वो जिसको अफोर्ड कर सकता है। दोस्तों, इस मोबाइल का नाम है रियलमी C11, जो रिसेंटली ही लॉन्च हुआ है। इस मोबाइल की जो प्राइस है वो इंडिया में 7500 है और पाकिस्तान में इसकी प्राइस 17000 है। दोस्तों, अब इसके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं जो इसको एक ज़बरदस्त मोबाइल या इसको एक फ्लैगशिप टाइप मोबाइल बनाती है। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसके प्रोसेसर की। दोस्तों, इस मोबाइल के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो मीडियाटेक हेलियोपी G35। अब जो कंपनी प्रोसेसर बनाती है उसका कहना है, अगर आपके मोबाइल में हेलियोपी G35 है, अगर आप अपने मोबाइल में एक हैवी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल आपके मोबाइल में अगर पबजी है, दोस्तों मैं पबजी मोबाइल की बात कर रहा हूँ, तो इस प्रोसेसर बनाने वाली जो कंपनी है इसका कहना है, अगर आप इस मोबाइल में पबजी मोबाइल खेलेंगे तो ये मोबाइल स्मूथली इसको चलाएगा, मोबाइल हैंग नहीं होगा। सबसे पहली बात दोस्तों ये इसके प्रोसेसर की थी। अब दूसरी बात आती है मोबाइल के डिस्प्ले की, मोबाइल का रेजोल्यूशन कितना है, मोबाइल का PPI कितना है। PPI दोस्तों इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करते हैं मोबाइल के रेजोल्यूशन की। दोस्तों, जो मोबाइल का रेजोल्यूशन है वो 720x1560 है और जो इसका PPI है वो 270 पिक्सल पर इंच है। अब दोस्तों, मैं इसके साथ एक और मोबाइल को कंपेयर करता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। फॉर एग्जाम्पल हम इन्फिनिक्स की बात करते हैं। दोस्तों, इस टाइम जो इन्फिनिक्स की फ्लैगशिप डिवाइस है वो है इन्फिनिक्स नोट 7, जो उसका रेजोल्यूशन है वो 720x1600, लेकिन जो इसका रेजोल्यूशन है वो 720x1560 है। दोस्तों, रेजोल्यूशन में कोई भी फ़र्क नहीं है, बहुत करीब करीब है। दोस्तों, जो रियलमी C11 का जो PPI है वो 270 पिक्सल पर इंच है और जो इन्फिनिक्स का PPI है वो 258 पिक्सल पर इंच है। अब PPI से क्या फ़ायदा होता है? दोस्तों, जब आप मोबाइल में एक HD मूवी देखेंगे, एक या एक SD वीडियो देखेंगे, जब आप एक HD वीडियो देख रहे होंगे तो आपके मोबाइल के अंदर से कलर्स साफ नज़र आएंगे, जो आपकी वीडियो है वो आपको बिल्कुल साफ स्मूथ नज़र आएगी। दोस्तों, ये PPI का इम्पोर्टेंट रोल है। दोस्तों, मैं रैम को लास्ट में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि रैम के रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन हैं, तो इसलिए मैं रैम को लास्ट में एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, अब बात आती है मोबाइल के कैमरे की। दोस्तों, इस मोबाइल का जो कैमरा है वो फ्रंट 5 मेगापिक्सल है और जो बैक है, बैक में दो कैमरास हैं, एक 13 मेगापिक्सल है और दूसरा 2 मेगापिक्सल जो डेप्थ सेंसर है। दोस्तों, इस मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा है और जो बैक कैमरा है, दोनों में आपको जो वीडियो शूट करने का जो पिक्सल है वो 1080p मिलता है। आप दोनों कैमरा से ही एक गुड क्वालिटी वाली वीडियो शूट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करता हूँ मोबाइल की बैटरी की। दोस्तों, इस मोबाइल की जो बैटरी है वो 5000 mAh की है। दोस्तों, अगर हम इस मोबाइल की बैटरी को प्रोसेसर से कंपेयर करें तो Realme का कहना है कि इस मोबाइल की जो बैटरी की जो एवरेज है वो आपको 21 hours मिलेगी, जिसमें आप लगातार अगर आप इस मोबाइल को यूज़ करें, लेकिन अगर आप इस मोबाइल में पबजी खेलते हैं, लगातार खेलते हैं, तो आपको कम से कम 10 hours से कम इसका जो टॉक टाइम है वो नहीं मिलेगा। मतलब अगर आप पबजी इस मोबाइल में खेलते हैं तो आप कम से कम जो आपकी जो इसका टाइमिंग होगी वो 10 घंटे से ऊपर ही आपको देखने को मिलेगी, जो एक बहुत अच्छी चीज़ है इस प्राइस टैग में। अब दोस्तों बात आती है मोबाइल की शेप की।
दोस्तों 17,000 में आपको इस तरह की शेप कभी भी नहीं मिलेगी, लेकिन Realme C11 में ये शेप एक क्रिएटिव शेप है। दोस्तों इसके बैक में जो कलर्स कम्बिनेशन बनाए गए हैं वो एक फ्लैगशिप डिवाइस की तरह नजर आती हैं, और इसके जो कैमरा की शेप बनाई गई है स्क्वायर टाइप, ये बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही एक न्यू लुक प्रोवाइड करती है। दोस्तों अब लास्ट में बात आती है मोबाइल की रैम की। दोस्तों इस मोबाइल की जो स्टोरेज है वो 32 GB है और रैम जो है वो 2 GB है। अब बहुत सारे लोग इस बात पर क्वेश्चन करेंगे कि इस मोबाइल में जो रैम है वो कम है। दोस्तों अब हर शख्स रैम नहीं चाहता, हर शख्स मोबाइल का कैमरा नहीं चाहता, हर शख्स मोबाइल की बैटरी ज़्यादा नहीं चाहता। अब इस प्राइस में आपको रियलमी ने वो तमाम चीज़ें ऐड कर दी हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दोस्तों अगर हम इन्फिनिक्स मोबाइल की बात करें तो वहाँ पर हमें एक जो मोबाइल का रेजोल्यूशन है उसका PPI है वो हमें कम देखने को मिलता है, लेकिन जो लोग जिनका मोबाइल बजट कम है उनको वीडियो भी देखने को अच्छी मिलेगी, उसको कैमरा भी देखने को अच्छा मिलेगा, क्योंकि इसमें तमाम चीज़ें सारी सारी थोड़ी थोड़ी अच्छी क्वालिटी की ऐड की गई हैं। दोस्तों अब रैम अगर हम इस मोबाइल की 3 GB करते, अगर दोस्तों रियलमी वाले इस मोबाइल की जो रैम है वो 3 GB करते तो इस मोबाइल की जो बैटरी है वो शायद 5,000 से कम होकर 4,000 mAh की होती, या इस मोबाइल का जो बैक कैमरा है 13 MP है शायद उसको वो 8 MP कर देते, या जो मोबाइल की जो रेजोल्यूशन है शायद उसको कम कर देते। तो दोस्तों हर शख्स को एक चीज़ नहीं चाहिए होती, तो इस मोबाइल इस प्राइस बजट में आपको ये चीज़ें बहुत ही कंफर्टेबल हैं, बहुत अमेजिंग हैं, और जो इसकी लुक है उसकी जो शेप है वो दिखने में भी बहुत एक फ्लैगशिप डिवाइस की तरह नज़र आती है। आपके माइंड में वो तमाम डाउट निकल गए होंगे, अब अगर आप इस मोबाइल को मार्केट में लेने जाएंगे तो आपके माइंड में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।